हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन गोवा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कैंडोलिम बीच को। वहाँ पे इस होटल के स्टाफ ने काफ़ी बोला है कि कैंडोलिम बीच में बहुत अच्छी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है इन पूरे गोवा में। तो हम लोग भी आज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत कवर करने वाले हैं, थोड़े बहुत एंजॉय भी वहाँ करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग स्पीड मोटर बोट राइड करेंगे वहाँ पे, जेट राइड्स भी होती है उधर, और पैरासेलिंग एंड ऑल, मतलब जितने भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है सारी वहाँ पे कैंडोलिम बीच में होती है और काफी रीजनेबल रेट्स पे होती है। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अंजुना बीच। यहाँ से हम लोग अंजुना बीच को रात को जाएंगे और रात को हमारा डिनर भी वहीं पर रहेगा, अंजुना बीच में। बीच साइड कैफे एक हमें पता चला है कि बहुत अच्छा बीच साइड कैफे है, तो उस बीच साइड कैफे को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ का फूड कैसा है वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, रास्ते पे हम लोग बात करेंगे अब सीधा। तो गाइस, हम लोग निकल के आ चुके हैं कैंडोलिम बीच की रोड में, और ये एरिया देख के सच में बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। मतलब आप यहाँ एंटर करोगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में ही आ चुके हो। दोनों साइड यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छे मेंटेन्ड है, तो आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह सब अच्छे से कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगा दिया है और हम लोग अंदर बस यहाँ मेन गेट से बस एंटर कर ही रहे हैं कैंडोलिम बीच में। जब एंटर करते हैं तो दोनों साइड आप देखोगे कि यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स वगैरह है, वेंडर्स वगैरह यहाँ पर बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये जो वेंडर्स वगैरह शॉप्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव है, अगर आपको सही से रेट पता नहीं है तो वो ज़रूर आपको ठग भी लेंगे यहाँ पे। अपने पार्किंग एरिया से मेन बीच काफ़ी नज़दीक है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 50-100 मीटर्स की वॉक ही है और आप डायरेक्टली वहाँ बीच में पहुँच सकते हो। मैंने यहाँ पे विज़िट किया था अप्रैल के मंथ में, और अप्रैल के मंथ को कहा जाता है कि ये ऑफ सीज़न होता है, लेकिन मैं तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ देख रहा हूँ। लोगों ने जगह जगह पे यहाँ पे बीच लाउंजर्स वगैरह लगा के रखे हुए हैं जिसको आप रेंट पे भी ले सकते हो। तो यहाँ बैठने के चार्जेस लेते हैं सभी कोई, या तो आप पीछे जो शैक्स बने हुए हैं वहाँ पे बैठ के आप फूड एंजॉय करो, फूड को खाओ वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के आराम से इस बीच का नज़ारा। गाइस, कैंडोलिम बीच फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के चलते, लाइक पैरासेलिंग हो गया, जेट स्की हो गया, स्पीड बोट राइड्स हो गया, बनाना राइड्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जितने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो सकते हैं समंदर में, सारे के सारे यहाँ कैंडोलिम बीच में होते हैं। और प्राइस आप बोलोगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, प्राइस नॉर्मली स्टार्ट होता है 1500 रुपये से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग भी चलते हैं, कुछ फन करते हैं यहाँ पे, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं हम लोग भी यहाँ। हो सके तो स्पीड बोट राइड लूँगा मैं यहाँ पे, और उसके बाद भूख लगती है तो फिर मैं जाता हूँ पीछे, एक शैक था जो मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा था तो वो शैक में जाऊँगा, कुछ स्नैक्स आइटम वगैरह खाऊँगा, और फिर उसके बाद का जो मेरा प्लान होता है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. गाइस, हम लोग होटल से फ्रेश होके वापस से निकल चुके हैं डिनर के लिए। अंजुना बीच की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे पता चला हमें कि एक सी साइड कैफ़े है जो बहुत ही अच्छा सी फूड बना के देता है हमें। तो यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडियन फूड्स हो गया वगैरह, यहाँ साउथ इंडियन फूड्स वगैरह,
तो वो सब में उतना कुछ टेस्ट नहीं है, लेकिन सी फूड्स बहुत फेमस हैं यहाँ पे। तो आज जा रहे हैं हम लोग वही सी साइड कैफ़े में और वहाँ पे अपना डिनर करेंगे, कुछ सी फूड्स भी ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे।